सड़क पर गड्ढा, जान का खतरा। न्यूज 18 की खास मुहिम और जागरूकता की मुहिम में आज बात अजमेर की हम करेंगे। अजमेर में बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब है और इतनी खराब है कि अब ये दुर्घटनाओं का कारण बन रही है, जिसमें कचहरी रोड जो लंबे वक्त से हादसों की सड़क कही जा रही है वहां पर दो लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की अनदेखी से स्थानीय लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और व्यापारियों ने सड़क बंद करने तक की चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर की सड़कें बदहाल, बारिश के बाद मौत का सफर। अजमेर में हुई हालिया बारिश ने शहर की सड़कों की पोल खोल दी है। कचहरी रोड, जहां एलिवेटेड रोड बनने के बाद नीचे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब दुर्घटनाओं का गढ़ बन गया है। इस बारिश के दौरान यहां दो लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्थानीय व्यापारियों ने सड़क बंद करने की धमकी दी है। अजमेर में बारिश के बाद सड़कों की स्थिति और खराब होने लगी है। अजमेर के अलग अलग मार्गों पर आप स्थिति देखेंगे तो एक से डेढ़ फीट के गड्ढे हैं, जिसके कारण हादसों की आशंका बनी हुई है। अजमेर के बाजार में हम खड़े हैं, नगर निगम का ऑफिस आपको दिखाएंगे। ये नगर निगम का ऑफिस है, ये टूरी बाजार है, मुख्य बाजार है, स्टेशन रोड है। ये नगर निगम के बाहर जो है आप देखेंगे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसे में यात्रियों को निकलने में भी यहाँ परेशानी होती है। और जो शहर की प्रमुख सड़कें जैसे स्टेशन रोड और श्रीनगर रोड भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ई रिक्शा चालक और दोपहिया वाहन चालक इन सड़कों पर कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। बारिश के कारण सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनसे गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। उत्तर पलटी खाते हैं, दो मौतें ये कचहरी रोड ले चुका है। मुझे लगता है प्रशासन कम से कम 10 या 12 मौतों का इंतजार कर रहा है, उसके बाद कहने के प्रशासन चेतेगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी के आदेशों के बावजूद भी उन्होंने जो यहाँ का जो अधिकारी है, जो यहाँ का स्मार्ट सिटी का अधिकारी है, उसको लताड़ लगाई थी कि जून के महीने में ये बारिश आने से पहले, मानसून से पहले ये कचहरी रोड बनना चाहिए। उसके बाद भी आप देखिए मानसून आके जाने की तैयारी में है, अभी तक कचहरी रोड के नाले नहीं बने हैं। नालों की बात छोड़िए, बड़े बड़े स्लैब बीच में रख दिए गए हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था भी चौपट हो गई है। ये कचहरी रोड खूनी रोड बन चुका है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ और मैं खुद इस व्यक्ति हूँ। मैं आगे के चार रात निकलवा के आया हूँ, अभी भी मैं तीन चार महीने पहले मैं स्लिप हुआ था यहाँ पे। और रोज यहाँ हादसे, और एक ये एक एक तो एक सड़क नहीं बन रही, दूसरा ये जो नाला बनाया है इंटरलॉकिंग वाला है, इसमें लॉकिंग ही नहीं है। मतलब गैप इतने इतने छोड़ दिए, रोज मलबा डालते हैं लोग, रोज मलबा नाले में चला जाता है बारिश से। शहर के अन्य हिस्सों जैसे गुलाबबाड़ी, ब्यावर रोड और पुष्कर रोड की हालत भी बेहद खराब है। अजमेर नगर निगम के बाहर भी बड़े गड्ढे और टूटी सड़कें प्रशासन की आंखें खोलने के लिए काफी है। मैंने तो मांग पहले भी रखी थी कि इस रोड को या तो जल्द से जल्द बनवाया जाए, और आज ये कह रही हूँ कि अगर नहीं बनता ये रोड तो इस रोड को बंद कर दिया जाए, ताकि आमजन से और ये हादसे होने से बचे, जिससे कि लोगों की जान नहीं जा सके। मैं ये मांग करती हूँ प्रशासन से। इधर अजमेर नगर निगम की महापौर बृजलता हाड़ा ने कहा है कि प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 15 तारीख से सड़कों के निर्माण के निर्देश दिए हैं। कि बारिश में तो सभी जानते हैं कि शहर की सड़कों का सत्यानाश हो जाता है, बहुत खराब हो जाती है, खड्डे हो जाते हैं शहर में। तो जैसे कि अभी बारिश अब थोड़ा सा रुका है, थमी है बारिश, तो हम हफ्ते भर बाद जो है नगर निगम वो भी जो सड़कों की रिपेयर कराएगा। और जैसे कि आपने अपनी डिप्टी CM दिया जी कुमारी उन्होंने भी कहा है कि 15 तारीख के बाद शहर की सारी सड़कें हैं जो उनको रिपेयर करवाया जाएगा। अजमेर की सड़कों पर बारिश के बाद की ये दुर्दशा किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। ऐसे में प्रशासन और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत और पेचवर्क करने की जरूरत है, ताकि और जानलेवा हादसों को रोका जा सके। 3 दिन का समय दिया गया, अगर इसके बावजूद नहीं चेतते हैं तो फिर इसे बंद कराने की चेतावनी यहां पर दी गई है। कैमरा पर्सन कुलशन सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और इसी